हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको LG स्मार्ट टीवी 43 इंच के टीवी स्टैंड को कैसे फिक्स करते हैं वो बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और ये है टीवी स्टैंड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में टीवी स्टैंड को फिक्स करने के लिए स्लॉट प्रोवाइड की गई है, और यहाँ पर एक स्पीकर लगा है। तो मैं आपको बॉटम साइड भी अच्छी तरह से दिखा दूँ, और उसके बाद आप देख सकते हैं सेंटर में एक नेविगेशन बटन है जिसे इस टीवी को ऑपरेट किया जा सकता है। और यहाँ पे आप दूसरी स्पीकर देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी स्टैंड की अदर स्लॉट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टीवी स्टैंड को जो हमें इस बॉक्स के साथ मिलता है। टीवी को वॉल माउंट भी किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको कंपनी में डेमोंस्ट्रेशन एंड इंस्टॉलेशन के लिए कॉल रजिस्टर करनी होगी, और कंपनी के इंजीनियर आपके घर पे आके वॉल माउंट कर देंगे। और ये प्लास्टिक की बनी हुई मटेरियल है, एंड यहाँ पे ए एंड बी लिखा है। ए वाली स्टैंड यहाँ पे फिक्स होगी और बी वाली अदर साइड पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ए वाली स्टैंड को कैसे फ़िक्स करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, एक साइड लंबी है और एक साइड छोटी है। तो आप कुछ इस तरह से इसे फिक्स करें और थोड़ा सा पुश करें, एंड उसके बाद फिर हमें इसे स्क्रू ड्राइवर के साथ फिक्स करना होगा। ये स्क्रू है जो हमें बॉक्स के साथ मिलती है, एंड कुछ इस तरह से आप इसे सेट कर दें। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से इसे धीरे धीरे अच्छी तरह से फिक्स कर दें, और मेक श्योर कि आप जब LED को होल्ड करें तो कभी भी स्क्रीन पर हैंड को ना रखें। पर सबसे पहले आप इस स्टैंड को टाइट कर दें। LED स्क्रीन पे कभी भी फिंगर या हैंड को आप डायरेक्ट ना रखें, अदरवाइज स्क्रीन डैमेज हो जाएगी। हमेशा उसकी साइड को पकड़ कर ही होल्ड करें, कुछ इस तरह से। और यह इस टीवी की दूसरी साइड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लॉट दी गई है। बी वाली स्टैंड यहाँ पे फिक्स होगी, कुछ इस तरह से फिर से आप इसे सेट कर दें, और स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह से टाइट कर दें। और इस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, डायरेक्ट स्क्रीन को हमें होल्ड नहीं करना है, और साइड पकड़ के ही आप इसे अच्छी तरह से टाइट करें। और दोनों स्टैंड अच्छी तरह से फिक्स हो गई है, और देख सकते हैं आप ये फिक्स होने के बाद कुछ स्टैंड इस तरह से दिखती है। फ्रेंड्स, इस टीवी की कंप्लीट डिटेल्स मैं अगली वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। और अगर आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो उसे ज़रूर से क्लिक कर दें। फ्रेंड्स, मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया कि LG के 43 इंच स्मार्ट टीवी के स्टैंड को कैसे फिक्स करते हैं, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।